दोस्तों, हिल्स एंड सीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑर्डिनरी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करके आप काफ़ी अच्छा लुक उसे कैसे दे सकते हैं। बेसिकली हम आज ये जो पहली इमेज है, इस इमेज को बैकग्राउंड इसका चेंज करके एक काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड इसे देंगे, जिससे कि जो इमेज है वो काफ़ी अच्छी लगने लगेगी। आप भी अपनी फ़ोटोज़ में इस टेक्निक का यूज़ करके काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आप बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस इमेज का कलर टोन लगभग मैच होनी चाहिए। ये वैसे बाद में चेंज भी की जा सकती है, लेकिन उतनी सफाई इमेज में नहीं आएगी। और दूसरी बात जो ध्यान रखने की आवश्यकता है वो है इमेज का रिजोल्यूशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक इमेज काफ़ी हाई रिजोल्यूशन की है और दूसरी काफ़ी लो रिजोल्यूशन की, तो उसमें जब आप फ़ोटो एडिट करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे, तो डिफरेंस पता चल जाता है। कि तो स्टार्ट करते हैं। मुझे अपनी इमेज में ये बैकग्राउंड चाहिए, तो जो इमेज मुझे खोलनी है अब मैं उसे खोलूँगा। फाइल ओपन, मुझे ये फ़ोटो चेंज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, अपनी इमेज की एक कॉपी बना लीजिए। कंट्रोल जे से आप देखेंगे यहाँ पर एक लेयर खुल गई है। इसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल को चूज़ करिए और क्लिक कीजिए अपनी इमेज पे और इसे पूरा ड्रैग कर दीजिए नीचे तक। क्लिक एंड ड्रैग, नथिंग एल्स। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग, आपने इमेज सेलेक्ट कर ली है। इसके कान रह गए हैं यहाँ पर, इसके ईयर्स भी आप सेलेक्ट कीजिए आराम से। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट टाइम पे प्रिसाइज सिलेक्शन नहीं होता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रिसाइज सिलेक्शन कैसे करेंगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर हैं, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर हैं, उसके नीचे लेफ़्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे एक ऑप्शन है एडिट एंड क्विक मास्क मोड। इस पे आप क्लिक कीजिए या फिर सीधे आप अपने कीबोर्ड से क्यू प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे एक रेड लेयर यहाँ पर आपकी इमेज में आ जाएगी। ये रेड एरिया वो एरिया है जो सेलेक्टेड नहीं है, यानी कि जो एरिया आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें अभी इसमें कौन सा एरिया नहीं चाहिए दोस्तों, ये जो हाथ और इसके कमर के बीच का जो एरिया है वो नहीं चाहिए, प्लस इस दो पाँव के जो बीच का एरिया है वो नहीं चाहिए। तो इस एरिया को अभी हमें पेंट करना पड़ेगा। जस्ट ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिए और जूम कीजिए इमेज पे और इसे सफाई के साथ, इसमें आपका हाथ थोड़ा सटीक होना ज़रूरी है दोस्तों, इसे आप पूरा सफाई के साथ पेंट कीजिए इस पूरे एरिया को। ठीक है, ये पूरा एरिया आपको आराम से पेंट करना पड़ेगा। इन एडिशन, इसके अलावा आप देखेंगे जो आपने सिलेक्शन किया था वो काफ़ी जगह छूटा हुआ है, तो आपको वो पूरा एरिया भी पेंट करना पड़ेगा जो आपने सिलेक्शन किया था। अगर आप अच्छे से उसे जूम करके देखेंगे तो कहीं पे ज़्यादा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर कम सेलेक्ट हुआ है। तो जो एरिया कम सेलेक्ट हुआ है उसको इस लेयर से हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, ये चाहें तो आप अपने ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ब्रैकेट से जो पी की है, आपका कीबोर्ड का जो पी है उसके बगल में जो ब्रैकेट है उससे इसका साइज़ छोटा होगा, और जो उसके बगल वाला, उस ब्रैकेट के बगल वाला जो क्लोज ब्रैकेट है उससे बड़ा होगा। ठीक है, इसे प्रिसाइजली आपको पूरा इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और मान लिया जाए कि ये आपका ज़्यादा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो आपका ईयर है ये ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, तो अभी आप इसे कैसे रिमूव करेंगे, जस्ट जो आपका इरेजर टूल है उसे सेलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर क्लिक एंड ड्रैग, नथिंग एल्स। ठीक है, आप देखिए आपका जो एडिशनल सेलेक्टेड एरिया था वो अभी रिमूव हो चुका है, काफ़ी बड़ा कर्सर है, तो इसे आप ब्रैकेट से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशनल सेलेक्टेड एरिया आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, एडिशनल जो सेलेक्टेड एरिया था वो हमने यहाँ पे आसानी से काफ़ी
रिमूव कर दिया है। कुछ इस तरह का दिखाई देगा, आपको पूरा अच्छे से सेलेक्ट करना है। इवन जो इसकी फिंगर्स हैं इनके बीच में आप काफ़ी स्पेस देख सकते हैं, छोटा छोटा लेग्स के बीच में जो स्पेस है ये पूरा भी आपको पेंट करके सेलेक्ट करना है। पूरा एकदम प्रिसाइजली सेलेक्ट करना है तभी आपकी इमेज रियलिस्टिक लगेगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार आपका ऐसा लुक आ गया उसके बाद आपको एक सिंपल सा काम करना है, क्यू प्रेस करना है, ठीक है। तो क्यू प्रेस करके आप एक यहाँ पे सिलेक्शन देख पाएंगे, आपका पूरा सिलेक्शन अच्छे से हुआ है। आप मेक श्योर कीजिए, डबल चेक कीजिए, ट्रिपल इसे चेक कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक राइट कॉर्नर में सबसे नीचे जाएंगे तो आपको ये आइकन दिखाई देगा, ये इस आइकन पे आप अपना कर्सर रखिए तो आपको दिखाई देगा ऐड अ मास्क। इस बटन पे आप क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे इसमें एक मास्क आ गया है और पूरा इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो गायब हो गया है, ठीक है। अभी आपको जो मेन बैकग्राउंड है यानी कि ये वाला बैकग्राउंड आपको अपनी इमेज में लाना है। उससे पहले आप देख लीजिए आपकी इमेज का साइज़ क्या है। इमेज का इसमें साइज़ है 666, इसकी विड्थ है आप देखेंगे यहाँ पे 666 इसका विड्थ है और इसका हाइट है 4166 पिक्सल्स, जो कि मेरी इमेज के लिए सही है। अभी मैं आपको इमेज का भी साइज़ दिखाऊंगा। इमेज साइज़ कैसे देखेंगे, ये जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर डॉक 79.5 mm, इस पर आप अपना लेफ्ट क्लिक कीजिए और होल्ड कीजिए तो आपको इमेज का विड्थ और हाइट दिखाई देगा। और हमारी जो मेन इमेज थी आप इसका विड्थ और हाइट देखिए, ये इससे हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर बाय चांस आपका जो बैकग्राउंड है और इमेज है बराबर नहीं है, रिजोल्यूशन अप्रोक्सीमेट बराबर नहीं है, रेशियो उसका सही नहीं बैठता है, तो आप इमेज साइज़ भी इसका चेंज कर सकते हैं। जस्ट इमेज पर क्लिक कीजिए और इमेज साइज़ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप अपना इसका हाइट और वेथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप इसका रिजोल्यूशन ही चेंज कीजिए, जैसे मैं इसे 300 अभी करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका वेथ 8000 हो गया और इसकी हाइट 5000 हो गई है। और ओके पे क्लिक कीजिए, बट मैं इसे 250 ही रहने देना चाहता हूँ, ठीक है। उसी हिसाब से ये हाइट और वेथ एडजस्ट करके आपको ऑटो में दे देगा, जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो अभी ये बैकग्राउंड मुझे अपने मेन जो इमेज है उसमें डालना है। आपको इसके लिए इसका एक लेयर कॉपी करना पड़ेगा, इस बैकग्राउंड को मूव करने के लिए दोस्तों आपको लेयर कॉपी करना पड़ेगा। बैक कंट्रोल और जे प्रेस कीजिए कीबोर्ड में, जिससे कि लेयर आपका नया बन जाएगा, इसी इमेज का एक नया लेयर बन जाएगा, ठीक है। और वी प्रेस कीजिए या फिर जो आपका मूव टूल है उसे सेलेक्ट कीजिए, इस इमेज पे क्लिक कीजिए और इसे ड्रैग कीजिए दूसरे टैब पर। देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी सही तरह से फिट नहीं हुआ है, तो इसे फिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लेयर वन आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करके इसे अपनी मेन इमेज के नीचे ले आइए। बट अभी भी हमारा रेशियो सही नहीं है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा मेन इमेज है उसकी लेयर पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल और टी को प्रेस कीजिए और इसे छोटा कर दीजिए, ठीक है। लेकिन छोटा करने में आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप शिफ्ट और अल्ट को एक साथ प्रेस करके छोटा करें, जिससे कि इसका जो इमेज है मेन इमेज उसका रेशियो सेम रहेगा। या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा बैकग्राउंड है वो आपका पूरा इमेज में आए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बैकग्राउंड वाली लेयर है उस पर आप इसको ओके करके बैकग्राउंड वाली लेयर पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड वाली जो लेयर है उसका पूरा साइज़ कितना है, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसे कम ज़्यादा आराम से कर सकते हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जब तक आपको ना लगे कि यह एग्जैक्ट रेशियो है ना आ गया है। मैं अभी इसका थोड़ा बैकग्राउंड को एडजस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप इसे और चौड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपने कैनवास का साइज़ भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है ओके। अभी
ये आप देख सकते हैं कि इस जो मेन इमेज थी उसकी विड्थ उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसके लिए हमें मेन जो कैनवास है कैनवास की विड्थ को इनक्रीज़ करना पड़ेगा। और ये एडिशनल एरिया भी हम क्रॉप करके लास्ट में हटा सकते हैं। क्लिक ऑन इमेज कैनवास साइज़, इसको पिक्सल्स में कीजिए, इसकी हमें वेट थोड़ा इंक्रीज़ करनी है, ठीक है 6000। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कैनवास का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। जो आपका बैकग्राउंड था उस वाले लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और आप इसका इंक्रीज़ आराम से कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे में इसे बैठा सकते हैं, बट उतना ज़्यादा अच्छा वो नहीं लगेगा, ठीक है मेरे लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद क्लिक ऑन ओके। अभी ये जो एडिशनल एरिया है इसे हम क्रॉप टूल से रिमूव करेंगे। सेलेक्ट है जो आपका क्रॉप टूल है उस पर क्लिक कीजिए या फिर सी प्रेस कीजिए और नीचे वाले एरिया को ट्रैक करके यहाँ पर तक लाइए, ठीक है ओके। एंटर प्रेस कीजिए या फिर जो टिक था ऊपर उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है अभी हमारी इमेज आधी रेडी हो गई है, ठीक है। इसके बाद आप इमेज पर जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी जगह आप देखेंगे इसका जो है बैकग्राउंड के साथ एरिया मैच नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो क्लियर और इमेज भी काफ़ी क्लियर है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ये इमेज रियलिस्टिक नहीं है। तो हम करेंगे थोड़ा बैकग्राउंड को ब्लर, फिल्टर पर क्लिक कीजिए, मेक श्योर आपका जो बैकग्राउंड वाला लेयर है वो सेलेक्टेड है, फिल्टर पर क्लिक कीजिए, ब्लर एंड देन गॉसियन ब्लर। इसका रेशियो 20 तक या फिर थोड़ा और कम आप 11 कर दें, 15 सही है, ठीक है 15 इसका वैल्यू रखेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे जो आपका बैकग्राउंड है वो थोड़ा ब्लर हो गया है, इससे एक काफ़ी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड वाला जो इफेक्ट है वो आ गया है, यानी कि बैकग्राउंड ब्लर और आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर। इसके बाद अगर हमें लगता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका सिलेक्शन अच्छे से नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे मेन लेयर मास्क है उस पर क्लिक करेंगे। मेक श्योर नॉट ओनली लेयर, ये जो लेयर मास्क है आपको उसी पर क्लिक करना है, ठीक है। और ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, मेक श्योर फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो और जो आपका ब्रश है उसका हार्डनेस 0 होना चाहिए। साइज़ आप चाहे कितना भी रखें अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंगली और जूम कीजिए इमेज पे, ठीक है। और इसके साइड साइड में आप इसे हल्का सा चाहे तो आप इसका कैपेसिटी भी रिड्यूस कर सकते हैं और इसके साइड साइड में आप इसे हल्का 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 सा ब्रश कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा ये जो इमेज है बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि आपको आर्टिफिशियल एकदम नहीं लगेगा। ये आपको काफ़ी जगह करना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे भी लगता है। देखिए ये जो एज है इसमें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से उठा के लाई गई है। अगर मैं इसमें थोड़ा ब्लेंड कर दूँगा तो ये लगेगा कि रियलिस्टिक इमेज है और इसी बैकग्राउंड के साथ ही इमेज क्लिक की गई है। ये करना काफ़ी ज़रूरी होता है, इस प्रोसीजर में भी आपका काफ़ी टाइम लगेगा, तो जस्ट आप ठंडे दिमाग से और प्रिसिजन के साथ इस एक्टिविटी को कीजिए। दोस्तों अब हमारा बेसिक काम हो गया है, अब हम इस इमेज में थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट डालेंगे। उसके लिए आपको एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी, फाइल न्यू, साइज 6000 और हाइट 6000, लगभग स्क्वायर में उसे रखिए ओके। एक आपका बैकग्राउंड खुल जाएगा, इसमें आपको एक सिंपल सा काम करना है। जो यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है क्रिएट और न्यू, क्रिएट न्यू फिल एडजस्टमेंट, क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है उसको सिलेक्ट करके ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है। ग्रेडियंट में आप कोई भी जो तीन कलर वाला आपको दिखे उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और इसमें ओके पे क्लिक करके इसे रेडियल में सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और फिर से जो ग्रेडियंट का कलर है उसमें आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं पॉइंटर्स कलर स्टॉप जिन्हें बोलते हैं उस पर क्लिक करके पहले वाले को आप कर लीजिए हल्का सा लाइट येलो,
ठीक है। वाइट के पास में आपको जो कलर मिलेगा वो बीच वाला आप थोड़ा कर लीजिए डार्क ऑरेंज या डार्क ब्राउन वट एवर, और जो लास्ट वाला है आप उसे कीजिए एकदम प्योर ब्लैक, ठीक है, जो सबसे लास्ट कॉर्नर वाला है ब्लैक कलर उसे। अभी इसका जो ब्लैक कलर है वी हैव टू इंक्रीज इट, थोड़ा इसे और बढ़ाइए, ठीक है, ब्लैक कलर इंक्रीज कीजिए। चाहे तो एक और स्टॉप यहाँ पर बना सकते हैं एकदम ब्लैक कलर का, जिससे कि आपकी जो ब्लैक कलर ज़्यादा आ जाए, ठीक है। ब्लेंड करने के लिए मेक श्योर ये एकदम डार्क ब्लैक हो, अगर आप हल्का ब्लैक लेंगे तो ये जो इमेज है अच्छे से हमारी मेन इमेज में ब्लेंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। ओके एंड ओके। अभी आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है और मर्ज विजिबल पे क्लिक करना है, ठीक है, जिससे कि ये जो दोनों इमेज हैं वो पूरी मर्ज अप हो जाएंगी। कंट्रोल जे प्रेस करके इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाइए, वी प्रेस कीजिए या फिर मूव टूल को सेलेक्ट कीजिए और इस लेयर को उठा के अपनी मेन इमेज में रख दीजिए, ठीक है। आप चाहें तो इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल टी करेंगे और इसको हम थोड़ा छोटा करके यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद ओके। इसका जो ब्लेंड मोड आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल है, इसे क्लिक करके इसे कीजिए आप स्क्रीन, इससे क्या देंगे ओनली आपको वहाँ पे लाइट दिखेगी बाकी कुछ नहीं। इसे आप अगर और छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल टी से। मेरे हिसाब से इतना करना ठीक रहेगा। इसे ओके। जिस लेयर पे आप काम करना चाहते हैं मेक श्योर आपका वो लेयर सेलेक्टेड हो, जिस आइटम पे, जिस इमेज पे, ठीक है। जैसे मुझे लाइट पे काम करना है तो हमारी लाइट वाली लेयर जो लेयर टू है वो सेलेक्टेड है, ठीक है। अभी आप इसका कैपेसिटी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे भी आराम से कम कर सकते हैं, ठीक है, और इसका साइज़ तो मैंने आपको बताया ही था, कंट्रोल और टी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारी जो लाइट वाली लेयर थी हम उसे लेयर टू है उस पर डबल क्लिक कीजिए और इसका नाम रख दीजिए लाइट, सो दैट हमें बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और जो आपका एडजस्टमेंट लेयर है, जो आइकन एडजस्टमेंट लेयर वाला, उस पर क्लिक कीजिए, ग्रेडियंट मैप पर क्लिक कीजिए, ये जो ग्रेडियंट मैप है इसे सबसे टॉप में ले आइए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है इसमें आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इसमें ये वाला सही रहेगा, काफ़ी सारे ब्लू एंड रेड टोन्स हैं। ओके, इसका कैपेसिटी आप थोड़ा कम कीजिए, ठीक है, ये जो क्या पूरा एक इससे टोन आ जाएगा और आपकी जो इमेज है एक सी दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद काफ़ी अभी रियलिस्टिक इमेज जो है वो लग रही है। उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन है कर्व्स, इस पर क्लिक कीजिए, आरजीबी पे क्लिक कीजिए, ब्लू पे क्लिक कीजिए। मैं इसकी जो ब्लू टोन्स है वो थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, ऊपर का एरिया, ये जो नीचे का एरिया है ये होता है शेडोज़ का, इसमें हल्का सा इसकी ब्लू टोन, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करके थोड़ा अजीब लगेगा, हल्का सा ब्लू टोन आप इसकी इंक्रीज़ कर दीजिए। उसी हिसाब से आप इसकी रेड टोन भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिस टाइप का भी आपको अच्छा लगे आप उस टाइप से इस इमेज को बना सकते हैं। मैंने रेड टोन इसकी थोड़ा रिड्यूस की है और इसकी जो ग्रीन है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ग्रीन टोन्स, ठीक है। मेरे को ये जो इफ़ेक्ट है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे चूज़ करूँगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं जो आपकी इमेज है काफ़ी एकदम पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी लग रही है,
तो इस तरह से आप देखेंगे हमने एक नॉर्मल सी बैकग्राउंड वाली इमेज को एक काफ़ी अच्छा जो कि हमारा बैकग्राउंड था वो चेंज किया, इस पर हमने ड्रामेटिक इफ़ेक्ट डाले। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगी और आप अपनी इमेजेस को अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं।